हेलो दोस्तों दोस्तों हम फ्लिपकार्ट से एक प्रोडक्ट मंगाए हैं जो रियलमी 7 प्रो है। मैं इस वीडियो में आप लोग को अनबॉक्स के साथ साथ कुछ रिव्यू दूंगा, क्या आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं, पूरा जानकारी दूंगा। वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों। मैं बोलना चाहूँगा, हमारे चैनल अभी नया है, अगर थोड़ा आपकी सपोर्ट मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को एंड तक देखिए ताकि हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट हो जाए। चलिए दोस्तों मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ और मैं बूट करूँगा, बूट करके आपको दिखाऊँगा कैसे यह है ये फ़ोन। तो दोस्तों देख सकते हो इसके अंदर एक बिल निकला है और यहाँ पे एक फ़ोन निकला है। तो मैं यहाँ पे फ़ोन निकालता हूँ, उसके बाद आप लोग को पूरा जानकारी देता हूँ। देखिए दोस्तों ये है इसका फ़ोन, है रियलमी 7 प्रो। बहुत ही बढ़िया फ़ोन है और मैं फ्लिपकार्ट का जो अभी ऑफ़र चल रहा था उसी ऑफ़र में मैंने मंगाया हूँ। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे जो MRP है 22,999 है, पर मैंने आपको बताऊँगा लास्ट में इफ़ेक्टिव प्राइस कितना पड़ा मेरे को। और ये जो है अभी फ्लिपकार्ट का जो सेल चल रहा था उसी सेल में मैं इसको मंगाया हूँ। और ये 8 GB रैम है और उसके साथ साथ आप लोग को 128 GB रोम है दोस्तों, जो मेमोरी है 128 GB। और दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, पर दोस्तों आप सबको पता होगा रियलमी इज ए चाइनीज ब्रांड। चलिए दोस्तों मैं इसको खोलता हूँ, खोल के आप लोग को दिखाता हूँ फ़ोन कैसा है। एक प्लास्टिक पन्नी है जो आपको निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों ये प्लास्टिक का एक कवर होगा, तो उसको निकालने के बाद यहाँ पे एक सील दिया गया है, तो इस सील को आपको काटना होगा। चलिए दोस्तों हम खोलते हैं, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों ये है दोस्तों इसका कवर और ये है हमारे पहले जो कवर आ रहा है उसके अंदर। दोस्तों यहाँ पे एक सिलिकॉन का कवर दिया है, सिलिकॉन का कवर आप लोग देख सकते हो दोस्तों, थोड़ा ब्लैक जैसा कलर है। और यहाँ पे दोस्तों एक कैमरा का बम्प दिया हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है दोस्तों। कैमरा के लिए यहाँ पे एक थोड़ा बम्प दिया हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया हेल्पफुल रहेगा कैमरा को प्रोटेक्शन के लिए। और दोस्तों इसके अंदर एक क्विक गाइड मिलेगा और कुछ यूजर मैनुअल मिलेगा, तो यही है डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो ये है हमारा प्रॉपर प्रोडक्ट है और रियलमी 7 प्रो है। मैं इसको साइड में रखता हूँ, उसके बाद और क्या क्या है वो हम देख लेते हैं कवर के अंदर। दोस्तों सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ पे 65 वाट फास्ट चार्जर मिल रहा है आपको, 65 वाट दोस्तों। अभी तक जितना भी चार्जर मिल रहा था रियलमी के तरफ से यहाँ पे 10 वाट या 12 वाट 15 वाट मिल रहा था, यहाँ पे आप लोग को सुपर फास्ट क्विक चार्जर मिलेगा जो 65 वाट। उसके बाद दोस्तों USB A टू USB C का एक आपको डाटा केबल मिलेगा जिसमें आप चार्जिंग भी कर सकते हो, उसके साथ आप डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो फ्रॉम PC टू मोबाइल, ये है डाटा केबल। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम ये सारे को साइड में रखते हैं, इसके अंदर और कुछ भी बचा है शायद। हाँ एक सिम इजेक्टर टूल दिया है, सिम इजेक्टर टूल, ये आपको हेल्प करेगा जब आप सिम को निकाल रहे हो। चलिए दोस्तों मैं इसको सब साइड करता हूँ और यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोग को बूट करके दिखाता हूँ। दोस्तों इसके ऊपर एक कवर दिया हुआ है, जो कवर को आपको बस निकालना होगा। ये कवर निकाल दिया, उसके बाद दोस्तों ये है आपकी ओरिजिनल फ़ोन है दोस्तों। आप लोग देख सकते हो बिल्ड क्वालिटी देख सकते हो, ये ग्लास नहीं है, पॉलीकार्बोनेट है, पीछे प्लास्टिक जैसा मटेरियल दिया हुआ है। और यहाँ पे ये जो मटेरियल यह भी शायद मेटल नहीं होगा, प्लास्टिक मटेरियल दिया है, पर यहाँ पे लुकिंग दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, मतलब जो मैट फिनिश के साथ दे रहा है बहुत ही बढ़िया लग रहा है। चलिए दोस्तों मैं इसका साइड व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो एक सिम ट्रे दिया हुआ है, यहाँ पे सिम ट्रे दिया हुआ है, उसके साथ यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन दिया गया है। इस साइड में आप लोग देख सकते हो लॉक की दिया हुआ है,
और दोस्तों यहाँ पे फिंगरप्रिंट है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, उसके ऊपर एक ग्लास कार्ड सॉरी एक प्रोटेक्शन डाला हुआ है, मैं इसको निकालता नहीं हूँ। चलिए मैं आप लोग को बूट करके दिखा देता हूँ दोस्तों। दोस्तों देख सकते हो Realme पावर्ड बाई एंड्रॉयड, पहले बूट है, थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा पेशेंस के साथ वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। दोस्तों देख सकते हो सिलेक्ट योर लैंग्वेज पहले पूछ रहा है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट को क्लिक करिए, नेक्स्ट को करिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्टेट मांग रहा है, रीजन मांग रहा है, हमको आप इंडिया क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो इंडिया दिया गया है, उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करिए। नेक्स्ट के बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करिए, यहाँ पे वाईफाई मांग रहा है, चलिए मैं नेक्स्ट क्लिक कर देता हूँ, एक्सेप्ट क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है आपकी पैटर्न लॉक डालना है तो रखिए, नहीं तो लेटर में क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ। इंपोर्ट डाटा फ्रॉम ओल्ड फोन, अगर आपके पहले से पुराना फोन है उससे अगर आप डाटा लेना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, नहीं तो लेटर में क्लिक कर दीजिए। बस Realme UI आ चुका है, गेट स्टार्टेड में क्लिक करिए तो आपकी फोन फाइनली बूट हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हो ये पहले जो इंटरफेस है यही है। उसके बाद आप नीचे प्री इंस्टॉल्ड कुछ ऐप मिल सकता है दोस्तों, कुछ ऐप को अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, कुछ ऐप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो दोस्तों। पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, कुछ कैमरा सैंपल दिखा रहा हूँ, मैं आप लोग को कैमरा सैंपल दिखाऊंगा, कुछ स्क्रीन पे भी देख सकते हो दोस्तों, मैं आप लोग को कैमरा सैंपल दिखा रहा हूँ, कैसे लग रहा है आप जरूर बताइए। दोस्तों अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ इसका प्राइस मुझे कितना पड़ा। ये 8GB वेरिएंट है दोस्तों, मैं जब ऑनलाइन देख रहा था तो 22,500 समथिंग था, तो मैंने इसको SBI का कार्ड ऑफर चल रहा था 10% डिस्काउंट, मैंने वो कार्ड ऑफर डाल के मेरे को पड़ा है यहाँ पे 20,500 में, मुझे 1,500 करीब डिस्काउंट मिला। तो उसके बाद मुझे 8GB का वेरिएंट 20,000 में पड़ा। दोस्तों आप लोग बताइए इस डील जो है वो अच्छा है या बुरी है, और आपको Realme का क्या क्या वीडियो चाहिए वो आप कमेंट में बता सकते हो। Realme का गेम टेस्ट या GCam इंस्टॉल करना है, कौन सा चाहिए आपको Realme के ऊपर, Realme Note 7 Pro के ऊपर, आप बता सकते हो, मैंने इंडिविजुअली वीडियो बना के आप लोग को समझा दूंगा। चलिए दोस्तों यही था छोटा सा रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग, कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।